हिमाचल के ज्वाली में न्यू पेंशन स्कीम को बंद करने की मांग उठाई गई है। आपको बता दें कि कर्मचारी महासंघ खंड फतेहपुर ने खंड प्रधान सुशील शर्मा के नेतृत्व में एसडीएम को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से न्यू पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की पुरजोर मांग उठाई गई है। इस दौरान खंड प्रधान सुशील शर्मा ने कहा कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक है तथा उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल ना होने तक हमारी लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। उन्होंने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि जब तक पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं की जाती तब तक केंद्र सरकार की 5 मई 2009 की अधिसूचना अनुसार कर्मचारियों के दिव्यांग और दिव्यांग होने की सूरत में उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन दी जाए। वहीं न्यू पेंशन स्कीम के तहत आने वाले रिटायर्ड कर्मचारी सरदारी लाल ने कहा कि जब विधायकों एवं सांसदों को शपथ लेते ही पेंशन का हकदार बनने का अधिकार है तो 58 व 60 साल में कई वर्ष देने वाले कर्मचारियों को पेंशन से क्यों वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक देश एक संविधान के तहत एक देश एक कानून भी लागू होना चाहिए। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि एक देश है इसमें दो विधान क्यों है। सांसद और विधायक जो है वो एक दिन शपथ लेने पर पेंशन के हकदार हो जाते हैं तो वो इस देश के लिए इतना बड़ा कौन सा काम कर देते हैं जो पेंशन के हकदार हैं, और कर्मचारी जो हैं वो 58 साल या 60 साल रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन से वंचित है। ये हमें सरकार इसका जवाब दे। तो हमारी ये एक रिक्वेस्ट है, अभी तक उसके बाद हम बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अभी रिक्वेस्ट ही है कि आप हमारी पुरानी पेंशन जो है कर्मचारियों को बहाल कर दें ताकि कर्मचारी जो अच्छी ढंग से बुढ़ापे में जी सके। धन्यवाद। तो सर, आप एसडीएम ऑफिस में कोई मेमोरेंडम देने आए, किस उपलक्ष्य पे आए? देखिए, पिछले 4 वर्षों से सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, सिर्फ एक खंड में ही नहीं, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष में एक काले कानून के विरुद्ध कर्मचारी लगातार संघर्षरत हैं। और उस काले कानून के बारे में कर्मचारी ही नहीं, प्रेस नहीं, अधिकारी नहीं, एक एक बच्चा पूरे भारतवर्ष में और पूरे हिमाचल प्रदेश में जानता है, वो है एनपीएस। जैसा कि सभी को पता है कि इस काले कानून के लागू होने के पश्चात कर्मचारियों की स्थिति कितनी दयनीय हो जाती है रिटायरमेंट के बाद। तो लगातार 4 वर्षों से ये सिलसिला जारी है। मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर, हर जगह हर कुछ दिनों के उपरांत ऐसे आयोजन किए जाते हैं, लेकिन हमारी सरकारें जो हैं आज दिन तक कर्मचारियों की इस दयनीय स्थिति के प्रति बिल्कुल उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं, और ये हम सभी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। तो आज फिर उसी कड़ी में एक और मन का पिरोते हुए हम अपने खंड फतेहपुर में हमारे उपमंडलीय अधिकारी दंडाधिकारी एसडीएम महोदय के पास हम मेमोरेंडम एक ज्ञापन देने आए हैं कि जल्दी से जल्दी अपनी तरफ से इस ज्ञापन को प्रेषित कर और कर्मचारियों को इस काले कानून के बंधन से मुक्त कराया जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।